अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, आई होप यू विल बी फाइन। इट्स योर फिजिक्स क्लास एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। ओपन योर फिजिक्स बुक। टुडे वी विल स्टडी फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस को जो है वो पढ़ने से पहले हम इसकी डायग्राम देखेंगे कि फिजिकल बैलेंस होता कैसा है। ये यहाँ पे आपके पास फिजिकल बैलेंस की डायग्राम दी गई है। फिजिकल बैलेंस जो है वो फल्क्रम के सेंटर पर एक बीम है जिसके ऊपर ये मुश्तमिल होता है, और इसके दोनों साइड पर, लेफ्ट और राइट साइड पर, दो पैंस दिए गए हैं, और इन पैंस के ऊपर हम वो ऑब्जेक्ट रखते हैं जिनका हमने मास फाइंड आउट करना होता है। उसके अलावा ये जो बिल्कुल सेंटर है ये हमारे पास क्या है, ये पिलर है, और ये जो रेड एरिया हमें नज़र आ रहा है ये पॉइंटर है। ये पॉइंटर किस लिए इस्तेमाल होता है कि ये जो नीचे स्केल दिया गया है, जब हम पैन पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका मास जो है वो स्केल के ऊपर शो होता है, और ये पॉइंटर उस स्केल के ऊपर उस पॉइंट को वेरीफाई करता है कि हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। जब हमारे पास ये पॉइंटर बिल्कुल ज़ीरो पर होगा तो उस टाइम जो है वो बीम अपनी मीन पोजीशन यानी कि बैलेंस पोजीशन पर होगा, और जो हमारे पास पैन है, हम इनमें जो लेफ्ट पैन होता है हम उसमें क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका हमने मास फाइंड आउट करना होता है। अब हम देखते हैं फिजिकल बैलेंस को। अ फिजिकल बैलेंस इज़ यूज इन द लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ अ वेरियस ऑब्जेक्ट बाय कंपेरिजन। फिजिकल बैलेंस क्या है? फिजिकल बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, और किस लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का मास फाइंड आउट करने के लिए। बाय कंपैरिजन का मतलब ये है कि एक पैन पर हम अननोन ऑब्जेक्ट रखते हैं और एक पैन पर हम वेट रखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑन अ फुलक्रम। और ये किसके ऊपर मुश्तमिल है? ये बीम के ऊपर मुश्तमिल है जो कि फुलक्रम के सेंटर पर है। द बीम कैरीज स्केल पैन ओवर द हुक्स ऑन द आइदर साइड। बीम क्या है कि बीम के दोनों साइड पर हमारे पास पैन दिए गए हैं और पैन के साथ स्केल मेंशन है। अननोन मास इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन। जो अभी हमने ऑब्जेक्ट जिसका हमने मास फाइंड आउट करना है वो अननोन मास हम किसके ऊपर रखते हैं, लेफ्ट पैन पे रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच बेसिकली क्या होती है कि जो हम रेस के दौरान इस्तेमाल करते हैं स्टॉप वॉच, जिसके ज़रिए हम टाइम मेजर कर सकते हैं कि रेस कितनी देर में कंप्लीट हो गई है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्टॉप वॉच कहलाती है। इसके अलावा जो हमारे सेलफोन है, हमारे सेलफोन में भी स्टॉप वॉच मैंशन है, और ये स्टॉप वॉच किस लिए होती है कि हम टाइम के छोटे से छोटे इंटरवल को मेजर कर सकें। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ स्टॉप वॉच इज़ यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेस। यहाँ पे दो तरह के स्टॉप वॉचेस हैं, मैकेनिकल एंड डिजिटल। मैकेनिकल स्टॉप वॉच वो है, मैकेनिकल स्टॉप वॉच वो है जिसके जिसको जो है वो हम खुद चलाते हैं, जिस पर हम खुद काम करते हैं। और इसके अलावा जो है मैकेनिकल और डिजिटल स्टॉप वॉच में फ़र्क किस चीज़ का आ जाता है, इनके लीस्ट काउंट का। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में पढ़ा था कि लीस्ट काउंट क्या होता है, कि वो छोटी से छोटी रीडिंग जहाँ तक कोई चीज़ हमें या कोई इंस्ट्रूमेंट हमें एक्यूरेट वैल्यूज़ दे सकता है। ये थी आपके पास स्टॉप वॉच की डेफिनेशन। हाउ टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉचेज। और अब जो है हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉचेस की डेफिनेशन क्या होगी। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू अ मिनिमम 0.1 सेकेंड। के जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो कितना टाइम इंटरवल मेजर करके दे सकती है, 0.1 सेकेंड तक। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल स्टॉप वॉचेस। डिजिटल स्टॉप वॉचेस कॉमनली यूज्ड इन द लेबोरेटरीज कैन मेजर अ टाइम इंटरवल एज स्मॉल एज 1/100 सेकेंड और 0.01 सेकेंड। डिजिटल स्टॉप वॉचेस क्या होती हैं, लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होती हैं, और ये हमें कहाँ तक टाइम को मेजर करके दे सकती हैं, 0.01 सेकेंड तक। यानी कि अगर हम कंपेरिजन करें तो मैकेनिकल से ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ तक, मतलब ये कि हमें बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू तक टाइम मेजर करना हो तो वो हमें कौन मेजर करके दे सकता है, डिजिटल स्टॉप वॉच। 9th क्लास। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर जो है वो इस शेप के होते हैं, और जो है वो आपने 8th क्लास में भी इनको पढ़ा होगा, जहाँ पे आपने फ्लास्क और मीटर रूल इन सब के बारे में पढ़ा था। मेजरिंग सिलेंडर क्या है? मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर कैसा होता है? वो ग्लास या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर का बना हुआ होता है। इट हैज़ अ स्केल अलॉन्ग इट्स लेंथ डैट इंडिकेट्स द वॉल्यूम इन मिलीमीटर। उसके अलावा क्या होता है कि इसके लेंथ
वाइज इस तरह से। लंबाई के रुख क्या होता है, इस पर एक स्केल मेंशन होता है और स्केल की जो रीडिंग होती है वो किस में होती है, वो मिलीमीटर में होती है, सॉरी मिलीलीटर में होती है। मेजरिंग सिलेंडर्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज फ्रॉम 100 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर। मेजरिंग सिलेंडर्स की किसी भी लिक्विड को मेजर करने की कैपेसिटीज क्या होती हैं, 100 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर। दे आर यूज्ड टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और पाउडर्ड सब्सटेंस। ये किस लिए इस्तेमाल होती है, ये किसी भी लिक्विड के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए और उसके अलावा पाउडर्ड सब्सटेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ तक जो है वो नाइन्थ क्लास, आपके पास तीन टॉपिक्स हैं, आप इन तीनों टॉपिक्स को, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद भी करोगे और आप अपनी नीट नोटबुक पर राइट भी करोगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।